क्वेश्चन सेज अ व्हील हैज़ एंगुलर एक्सेलरेशन, नोट करते जाओ साथ साथ, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा आई कितनी 2 रेडियन पर सेकंड, इन अ टाइम ऑफ 2 सेकंड रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ कितना थीटा घूम जाएगी वो, ठीक है। तो जैसे लीनियर मोशन में होता था ना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते थे, इनिशियल स्पीड दिया है इतने टाइम में इतने एक्सेलरेशन से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वैसे ही रोटेशनल मोशन में ऐसे ही लिंक करके पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ऐसी रोटेशनल मोशन में कितना एंगल घूमेगा, कितनी इनिशियल स्पीड से, कितने टाइम में और कितने एंगुलर एक्सेलरेशन से, बताओ निकल जाएगा बिल्कुल सेम है। तो थीटा पता नहीं है, ओमेगा पता है, 2 रेडियन पर सेकेंड है, टाइम हमको दे रखा है 2 सेकेंड प्लस हाफ, अल्फा दे रखा है 3 और 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्व करेंगे इसको 10 रेडियंस आंसर आ जाएगा, ख़त्म। थैंक यू।